अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है 63, ए पार्ट है इसका 63 माइनस 72। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 63 माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। जब भी ब्रैकेट हटाओगे, एक साइन माइनस का है, दूसरा साइन भी माइनस का है, तो माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। देन ये 72, अब आप उसको हम प्लस करके लिख देंगे, तो 3 + 2 = 5 और 7 + 6 = 13, ये हमारा आंसर आ गया। अब बी पार्ट है हमारे पास, -7 - -6, -7 देन माइनस एंड -6, -7 ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा 6। अब ये हमारे पास है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इसको हम माइनस कर देंगे, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 आएगा, साइन वो आएगा जो ग्रेटर नंबर के साथ, यहाँ माइनस है तो ये माइनस है। इस तरीके से सी पार देखो, सी है हमारे पास -6 - -6 एंड -6, तो ये हो गया -6, ये -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -6 और 6 - 12, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद है हमारे पास डी, डी है हमारे पास 60 माइनस, ब्रैकेट के अंदर है -60, तो ये हो गया आपके पास 60, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 60, तो हमारे पास हो गया 60 + 60 देन 120। ई पार देखो, ई है हमारा 0 - 65, तो 0 में से 65 माइनस करोगे तो 65 माइनस का ही रहेगा आपके पास। एफ देखो, 0 - -17, तो हम क्या करेंगे, 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 17, तो 0 में 17 प्लस करना है, तो ये आपके पास 17 ही रहेगा। जी देखो, जी हमारे पास 2 - -7, ब्रैकेट के अंदर है 2, माइनस माइनस मैंने आपको बताया प्लस हो जाता है, देन 7, 2 + 7, ये हमारे पास आ गया आंसर 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया।